वैचारिक आंदोलन। मनु ने आपको अछूत कहा और आपने मान लिया। ब्राह्मण ने आपको नीच कहा और आपने मान लिया। महात्मा गांधी ने आपको हरिजन कहा, यह भी आपने मान लिया। राजनेताओं ने आपको दलित कहा और आपने मान लिया। लेकिन जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने आपको बौद्ध कहा, तब आपने क्यों नहीं माना? SC ST के पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर साहब का कहना नहीं मानना ही है। अगर आपको ब्राह्मणवाद, मनुवाद, जातिवाद और सामंतवाद से छुटकारा पाना है, तो आपको बाबा साहेब का कहना आज नहीं तो कल मानना ही पड़ेगा, तभी परिवर्तन आएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।